एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आषाढ़ी एकादशी के मौके पर पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित पंढरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विट्ठल और देवी रुक्मणी के दर्शन किए और पदयात्रा में भाग लिया। दिग्विजय सिंह की विठोबा में गहरी आस्था है और यही कारण है कि वे सन 1992 से लगातार आषाढ़ी एकादशी पर पंढरपुर यात्रा में वारकरी के रूप में शामिल होते हैं। विठोबा के दर्शन के लिए आषाढ़ी एकादशी पर लाखों श्रद्धालु वारकरी पैदल चलकर पंढरपुर पहुंचते हैं। बताया जाता है कि अच्छी बारिश और किसानों की अच्छी फसल की कामना के लिए ये यात्रा की जाती है। दिग्विजय सिंह के पूर्वज रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख संत पीपा जी महाराज की भगवान पंडरी नाथ में गहरी आस्था थी। वे हमेशा पंढरपुर वारी में शामिल होते थे। पूर्व सीएम अपने पूर्वज संत पीपा जी महाराज का अनुसरण करते हुए उनकी आस्था और परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और हर साल पंढरपुर यात्रा में वारकरी के रूप में शामिल होते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।